आप क्लिक करेंगे तो फाइनली जो है ये कंफर्म करने लिए पूछेगा, और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप अगर स्टेप मिस करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं होगा। स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो में। फाइनली 2021 के अंदर में एक बिजनेस अकाउंट बनाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज से मैं 1 साल पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने अकाउंट बनाया था इंडिविजुअल, और उससे मेरा काम चल रहा था। और अभी जो है पेपाल ने बहुत सारे चीज़ों को बदलाव कर दिया है, अपडेट कर दिया है, जिसमें मुश्किल हो गया इंडिविजुअल अकाउंट के साथ में वर्क करना, मतलब पेमेंट रिसीव करना या सेंड करना। फाइनली अभी तो एक ऐसा अपडेट हो गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओनली आप पेमेंट को सेंड कर सकते हो, ऐसे कुछ अपडेट है। इस वीडियो के अंदर में दोस्तों मैं आपको एक बिजनेस अकाउंट का पूरा सेटअप, साथ में बिजनेस अकाउंट के साथ एक बैंक अकाउंट को पूरा लिंक करना, फुल्ली वेरीफाई करना, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप करके मत देखना, मतलब भगा के मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको इश्यू आ सकता है पेमेंट सेंड करने में या पेमेंट रिसीव करने में, तो आप इसे आराम से देखना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। मैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको सब कुछ सारे प्रोसेस में करके दिखाने वाला हूँ। तो आप जो है मतलब कहना है कि ये कि अगर आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे भी आप कर सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखना है वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, मतलब अच्छा क्या आपको तो बिल्कुल ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं खुद अभी 2020 में बनाया था, 2021 में बिजनेस अकाउंट के साथ में बनाने जा रहा हूँ पूरा फुल्ली अप्रूवल। मैं एक ऑनलाइन क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है, आई नो कि आप भी यही सोच के आए हैं जो भी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर में आपको पूरा ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले एक चीज़ बताना भूल गया, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, ये मेरे लिए और आपके लिए ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा और आप अपने हिसाब से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट सेटअप करके दिखाने वाला हूँ, वेरीफाई के साथ साथ आपको अपने बैंक के साथ लिंक करके भी दिखाऊंगा। जो प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सेम वही प्रोसेस आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर करना है या अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर करना है। वीडियो को स्किप करके मत देखना, अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ स्टेप मिस होगा, स्टेप अगर मिस होगा तो भाई आपको पेमेंट रिसीव करने में या पेमेंट सेंड करने में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर बाद में आप वही कमेंट करके कहते हो कि सर मैं आपके वीडियो देख करके अकाउंट बनाया लेकिन पेमेंट सेंड ही नहीं हो रहा है, पेमेंट रिसीव ही नहीं हो रहा, अभी तक पेमेंट ही नहीं आया। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना है, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर वो प्रॉब्लम तो आना ही आना है। पहला स्टेप यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन और साइनअप है, तो अभी यहाँ पे आपको साइनअप करना है। साइनअप पे आपको क्लिक करने के बाद में एक आपको नया पेज यहाँ पे ओपन होके आता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंडिविजुअल अकाउंट और यहाँ पे बिजनेस अकाउंट। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल अकाउंट और पहले इंडिविजुअल अकाउंट में पेमेंट रिसीव भी था लेकिन अभी जो है चेंज हो गया है, इसलिए अभी यहाँ पे सेम पेमेंट वाली है। और यहाँ पे बिजनेस अकाउंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बजट को आप सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिजनेस पे आपको यहाँ क्लिक करना है और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड वाला आया ईमेल इनवॉइसिंग और लिंक, और दूसरा फिर यहाँ पे आपको एक अमाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको साल में आपकी जो पेमेंट जो है आपको क्या लगता है उस हिसाब को आप अपने अमाउंट को यहाँ पे, ये USD में है क्या, 0 से लेकर 2.5 लाख तक की लेन देन होगी या आपको 2.5 लाख से 5 लाख USD तक का लेन देन होगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको साल में इस पेपाल के अकाउंट के ऊपर कितना तक का अमाउंट सेंड और रिसीव हो सकता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख USD तक को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, आप इसे ज़्यादा कम भी कर सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। एक चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या आपके पास कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से या यूट्यूब चैनल के नाम के अकॉर्डिंग आप मतलब नाम किस मिलता जुलता कोई ईमेल आईडी यहाँ पे बना लें या अगर आपके पास है वही डालें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
ऐसा नहीं कि पेपाल आपको किसी ईमेल आईडी पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी तरह के ईमेल आईडी को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पेपाल अकाउंट में पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट सेंड करने के लिए ईमेल आईडी ही आपके अकाउंट होता है, किसी और तरह की कोई अकाउंट नंबर यहाँ नहीं मिलता है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या कोई बिजनेस है तो बिजनेस से मिलता जुलता अगर आपका नाम रहेगा तो पेमेंट सेंड करने वाले को लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल टाइप के इंसान हो। मेरा मेन चैनल का जो नाम है टेक्निकल चैलेंज, तो मैंने अपना चैनल के नाम के रिगार्डिंग टेक्निकल चैलेंज 21 यही मेरा यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर रहेगा। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस ईमेल आईडी के आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। अब दूसरा कन्फ्यूजिंग वाली बात दोस्तों ये भी है कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ अगर आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे इसी ईमेल आईडी का मैं पासवर्ड डालूँ या आपको दूसरा पासवर्ड यहाँ पे बनाऊँ, तो आप दूसरा पासवर्ड भी यहाँ पे बना सकते हो या इसी की ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा पासवर्ड बना लेता हूँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे बिजनेस टाइप पूछता है, तो बिजनेस टाइप में आपको एक इंडिविजुअल यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो इंडिविजुअल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप प्रोडक्ट और सर्विस की बरतो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंप्यूटर और नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आप किसी तरह से सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब या किसी तरह से आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्पस कोड आता है, तो यहाँ पे आप अदर नेटवर्क सर्विस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसका नंबर है 806। ओके, तो आप यहाँ पे 806 ये आप डाल सकते हैं। अगर आप जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन से पैसे रिसीव करें या लेन देन कर रहे हैं तो आप ये 806 ये एक कोड ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले मैं आपको बिजनेस इंडिविजुअल डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड में आपको कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस डालना है। ऑनलाइन आप काम करते हैं, लेन देन ऑनलाइन आप जो भी कर रहे हो, यानी कि आपकी जो अर्निंग है किसी भी ऑनलाइन के जरिए अगर आ रहा है तो आपको यही सिलेक्ट करना है। पर्पस कोड में आपको यहाँ पे 806 आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और नेट जो है आपका बिजनेस यूआरएल। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट्स के जरिए आप पैसे कमा रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल के जरिए अगर पैसे कमा रहे हो तो आप अपना यूआरएल को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल का यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपना डिटेल्स फिल करने के लिए, तो आपको ये सब कुछ फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इंडिया, आपको अपनी कंट्री, इसलिए तो सब कुछ मैं भर देता हूँ, उसके बाद में आपको आगे समझा देता हूँ। फाइनली मैं अभी यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया हूँ। एक बात इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता दूँ कि आप पैन कार्ड नंबर जिस बंदे का डाल रहे हो सेम उसका नाम वही यहाँ पे होनी चाहिए, और आपका अगर नाम का स्पेलिंग अगर यहाँ पे अलग रहेगा तो फाइनली लास्ट टाइम में आप जब इसे जब सबमिट करोगे आप जब पेपाल को, तो वहाँ पे आपके अकाउंट है वो एरर आ सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने नाम का स्पेलिंग जो आप पैन कार्ड में आपका नाम है वही यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स मैं डाल दिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालना है, इंडिया आपकी कंट्री जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे में अपना एड्रेस डाल देना है, जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फाइनली नीचे में आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे अपना एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है कि किसी तरह से अगर आपका प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, पेपाल की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट इंडियन रुपीस आया बिकॉज मैं इंडिया कंट्री है, इसीलिए अगर आपको कोई और कंट्री हो अगर यहाँ पे आपकी करेंसी अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं आ रहा है, डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको एक बार रिक्रॉस चेक करना है कि आपने कुछ गलत तो नहीं डाला, पिन कोड आपने सब कुछ सही डाला या नहीं डाला। ये सब कुछ कंप्लीट अगर आपको लगता है सच सब कुछ राइट है तो फिर आपको नीचे में लास्ट में एग्री एंड कंटिन्यूज पे आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देख पा रहे हो फिलहाल अभी अकाउंट की जो सेटअप थी वो यहाँ पे 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फाइनली अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले जो यहाँ पे आ रहा है कि एक जो है फर्स्ट लेस टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो अभी आपने ईमेल आईडी डाला है उसी ईमेल आईडी पे एक मेल गया होगा, वहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक ईमेल आया है मुझे पेपाल की तरफ से और मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेट स्टार्ट नाउ
तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये जो है आपको रीडायरेक्ट आपके उसी पेज पे कर देगा, फिर से वापस पेपाल के जो पेज है उसके ऊपर में आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये यहाँ पे आ चुका है और लिख रहा है यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे हाउ डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट गेटिंग पैड, तो आपको यहाँ पे विथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। देन अभी आप देख पा रहे हो ये अभी आपका सेटअप हो गया है। दूसरा एक और बात जो कोई भी नहीं बताता है और आपको कमेंट में पूछना पड़ता है और आपको प्रॉब्लम आता है, ये कि आपकी जो बैंक अकाउंट का जो नाम है स्पेलिंग सब सेम होना चाहिए। यहाँ भी अगर आपका नाम किसी और का, बैंक अकाउंट किसी और का अगर आप डालोगे तो वो भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो फाइनली अभी एड सेटअप पे आपको अकाउंट सेटअप पे जाना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिंक के बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपको एक और नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे अपना IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपको IFSC कोड अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास पासबुक नहीं है, तो आप गूगल क्रोम से भी आप सर्च करके आप पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट डाल देता हूँ। अब एक चीज मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, काफी लोग कहते हैं कि सर वो पेमेंट कैसे, मतलब कि कमेंट में मेरा जो मेन चैनल है उसके एक वीडियो है मेरा, तो उस पर लोग पूछते हैं कि सर आप बताएं सर कि पेपाल से बैंक अकाउंट में पेमेंट कितने दिन में आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, ये जो है ऑटोमेटिक जो है विड्रॉल होता है आपके बैंक अकाउंट में, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, पेपाल में पेमेंट आता है और वो पेमेंट जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में वो विड्रॉल हो जाता है। फाइनली अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने IFSC कोड और मैं अपना बैंक अकाउंट का नंबर जो है यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा जाना है और नीचे में आपको यहाँ पे लिंक योर बैंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे लिंक योर बैंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो फाइनली जो है ये कंफर्म करने के लिए पूछेगा और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप अगर स्टेप मिस करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये लिख कह रहा है कि पेपाल जो है दो छोटे जो स्मॉल जो डिपॉजिट है जैसे कि 1 रुपये 50 पैसे ऐसा करके कुछ पेमेंट जो है आपका 3 to 5 business days में आपके बैंक में ये भेजेगा, ठीक है, कुछ दिन में मतलब 3 to 5 days में ये बैंक में आपके अमाउंट ये भेजेगा और वो अमाउंट जो है आपको कन्फर्म करना है, इंटर करना है, ठीक है, उस अमाउंट को और कन्फर्म करना है कि वो पेमेंट अब ये पेपाल जो है इसलिए भेजता है कन्फर्म करने के लिए आपका ही बैंक है क्या, आपने जो अमाउंट पेमेंट जो मतलब जो बैंक यहाँ पे सबमिट किया है वो बैंक आप ही का है या नहीं है, इसलिए ये कंफर्म करने के लिए ये आपको पेपाल दो छोटे अमाउंट जो है वो भेजता है। ओके, तो आप यहाँ पे कह भी रहा है कि बैंक के स्टेटमेंट निकालना है और उसमें देखना है आपको पेपाल की तरफ से दो अमाउंट आएंगे, तो ये सब कुछ अगर आप नहीं कंफर्म करोगे अगर पेपाल के साथ में तो आपके जो बैंक है वो कंफर्म ही नहीं होगा, तो पेमेंट रिसीव नहीं होगा। फाइनली मतलब कि ये चेक कर रहा है एक तरह से कि आपका ही बैंक है या नहीं है, तो यहाँ पे फाइनली इसे ओके करना है। अब ओके करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया कि यस मैं कंफर्म कर रहा हूँ यही हमारा बैंक अकाउंट है और आप हमें वो अमाउंट भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंफर्मेशन जो है यहाँ पे फिलहाल पेंडिंग दिखा रहा है। अब ये पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 to 5 minutes में वो पेमेंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों एक जो मेन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि ये इमीडिएटली अभी का अभी मेरा जो KYC सॉरी ये बैंक है जो वेरीफाई हो जाए, तो इसके लिए आप जब यहाँ पे कार्ड लिंक अगर करेंगे, जैसे कि मेरा आज से 1 साल पहले जो वीडियो बनाया था मेरा मेन चैनल पे, कार्ड लिंक करने से तुरंत विद इन मिनट्स के अंदर में आपके जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है पेपाल के साथ में। तो यहाँ पे मैं कार्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो कार्ड मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसे करके आप 3 से 5 दिन के अंदर में आप करके कंफर्म कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, किसी तरह से कोई भी इशू नहीं होगा। अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पे बताया है इसे अगर आप कंफर्म कर दिया तो फाइनली आप इंटरनेशनल पेमेंट जो है आप रिसीव कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिया का भी पेमेंट लोकल पेमेंट जो है वो भी रिसीव करूं और सेंड करूं, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है KYC करना पड़ेगा। अगर आप KYC कर देते हैं तो आप इंडिया का पेमेंट और आउट ऑफ कंट्री का भी पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। अगर आप KYC नहीं करते हैं तो फिलहाल सिर्फ आप आउट ऑफ कंट्री यानी इंटरनेशनल पेमेंट जो है आप रिसीव कर पाएंगे। अब मैं दोस्तों बता दूं कि इसे यूज कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलो अभी ये जो पेपाल के अकाउंट है पूरी तरह से वेरीफाई हो गया, मेरे बैंक के अकाउंट के साथ में लिंक भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान के चलो आपको पेमेंट रिसीव करना है या सेंड करना है,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड और रिक्वेस्ट ए पेमेंट, ओके। तो आपको यहाँ पे जो क्लिक जब आप करेंगे तो एक नया विंडो एक सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको पेमेंट सेंड करना है तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो और ये सेंड पे ही है, और यहाँ पे उस बंदे का जीमेल आईडी, ओके। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जीमेल आईडी ही एक अकाउंट नंबर होता है, किसी और तरह के मतलब कोई नंबर यहाँ पे पेपर आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर वो जीमेल आईडी यहाँ पे अगर डालते हैं या मोबाइल नंबर, मतलब जीमेल आईडी मेन होता है, मोबाइल नंबर तो ऐसे ही दे रहा है, इसकी सर्विस है प्रोफेशनल इसलिए। तो यहाँ पे जीमेल आईडी जब यहाँ पे आप फिल करेंगे तो उसी जीमेल आईडी पे वो पेमेंट मतलब सेंड आप कर पाएंगे। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करने का मतलब आप कितना पैसे रिसीव करना है, किसी को भेजते हैं ना, जैसे कि गूगल पे में भेजते हैं, भीम में भेजते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं रिसीविंग, अगर मुझे किसी को रिक्वेस्ट भेजना है कि मुझे 200 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, तो वैसे ही आप यहाँ रिक्वेस्ट उस बंदे के यहाँ पे आप डालेंगे उसकी ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो आप उसे रिसीविंग का मतलब पेमेंट का रिसीविंग का रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे ही वो कन्फर्म करेगा पासवर्ड डालेगा और वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में मतलब डिपॉजिट हो जाएगा एज पर मतलब उसकी टाइमिंग के हिसाब से। तो ऐसे ही यूज है, आप ऐसे ही इसे यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी तरह से अगर आपको डाउट बचता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, हेल्पफुल होगा तो कमेंट करके भी बताना यार, इससे मोटिवेट मिलता है। और किसी तरह को अगर आपको इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैंने वीडियो में तो ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं छोड़ा है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। 110% रिप्लाई दूंगा, लेकिन थोड़ी सी लेट हो सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।